पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान चार T20 मैचेस की सीरीज का तीसरा मैच ट्यूसडे 28 मई को कार्डिफ क्रिकेट ग्राउंड के वेन्यू पे खेला जाएगा और ये मैच पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 10:30 पे स्टार्ट होगा। आइए जानते हैं इस मैच के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग 11s के बारे में। पहले पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 1 पे शामिल हैं विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान, नंबर 2 पे लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन साइम अयूब, नंबर 3 पे शामिल हैं पाकिस्तान टीम के कैप्टन राइट हैंडेड बैट्समैन बाबर आजम, नंबर 4 पे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन फखर जमान, नंबर 5 पे शामिल हैं राइट हैंडेड बैट्समैन आजम खान, नंबर 6 पे शामिल हैं बैटिंग ऑलराउंडर इफ्तखार अहमद, नंबर 7 पे बॉलिंग ऑलराउंडर इमाद वसीम, नंबर 8 पे शामिल हैं लेफ्ट हैंडेड फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, नंबर 9 पे फास्ट बॉलर हारिस रऊफ, नंबर 10 पे शामिल हैं लेग स्पिन बॉलर अबरार अहमद और सबसे आखिर में नंबर 11 पे शामिल हैं लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर। जबकि इसके बाद इंग्लिश टीम की प्लेइंग 11 में शामिल खिलाड़ियों में नंबर 1 पे शामिल हैं इंग्लिश टीम के कैप्टन विकेट कीपर बैट्समैन जोस बटलर, नंबर 2 पे ओपनिंग बैट्समैन फिल साल्ट, नंबर 3 पे शामिल हैं बैटिंग ऑलराउंडर विल जैक्स, नंबर 4 पे एक और बैटिंग ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन, नंबर 5 पे शामिल हैं राइट हैंडेड बैट्समैन हैरी ब्रूक, नंबर 6 पे बैटिंग ऑलराउंडर मोइन अली, नंबर 7 पे शामिल हैं ऑलराउंडर सैम कुरन, नंबर 8 पे लेग स्पिन बॉलर आदिल राशिद, नंबर 9 पे फास्ट बॉलर क्रिस जॉर्डन, नंबर 10 पे शामिल हैं फास्ट बॉलर मार्क वुड और सबसे आखिर में नंबर 11 पे शामिल हैं राइट आर्म फास्ट बॉलर जोफ्रा आर्चर।